See, because you have said Adipurush, I don't want to draw comparisons because Adipurush मुंजा के I think 20 गुना बजट की फिल्म थी. तो जो बजट के साथ हम काम कर रहे थे उस बजट में हम जो बेस्ट दे पाए वो ये मुंजा था. और हमें हमेशा लग रहा था कि मुंजा VFX ही होना चाहिए क्योंकि वो जो चीज़ें कर रहा है ना फिल्म में, जो कूद रहा है, जो भाग रहा है, इसके पीठ पे चढ़ रहा है, वो एक्चुअल ह्यूमन के साथ करना इम्पॉसिबल था. हमने वो ट्राई भी किया था, वो वर्क नहीं हो रहा था. तो जिस बजट में हम मुंजा बना रहे थे उस बजट में बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा VFX दे सकते हैं, उस हिसाब से हमने एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की. ये DNEG नाम की कंपनी है, डबल नेगेटिव उसको बोला जाता है, जो हॉलीवुड की कंपनी है जिन्होंने जस्टिस लीग या एक्वामैन या ड्यून जैसी फिल्मों पर काम किया है. तो हमने उन पर काफ़ी खर्चा करके उनको वहाँ से यहाँ बुला के उनकी टीम को यहाँ रख के उनके साथ R&D करके एक पूरी प्रोसेस सेट की थी, जहाँ पे सेट पे अभी इनका जवाब ये भी देंगे, सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहाँ पे ऐसी चीज़ों के साथ जो डमीज रखी जाती थी कि दे हैड टू इमेजिन कि यहाँ पे वो मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है. एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो सामने वाले की रिएक्शन. तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे, फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिज़ाइन करके उस पर रखते थे. फिर एक और एक तीसरा लड़का आता था जो सिर्फ एक्सप्रेशन देता था, तो उसके एक्सप्रेशन को शूट करके हम उस पर लगाते थे. तो एक लंबी प्रोसेस थी, एक 1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना. मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब ही सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा क्योंकि बजट भी थोड़ा ज़्यादा आएगा. बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है. और हमें एक खुशी है कि जो लोग उसके बारे में इवन कमेंट भी कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया वो इनक्रेडिबल काम किया.